चालू था तो वाटर वाटर हाँ हमारा केक तैयार हो गया है। ये मैंने बाद में गार्निश किया है। और आप जो किसने सजाया ये वाह बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हमारी गैस नहीं आई है, तो मैंने कुकर चढ़ा के देखा था, कुकर भी चढ़ गया था। एंड आप लोगों को मैं बता दूं, हमारे घर में इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा हर चीज़ से हम परेशान हैं, आर्थिक स्थिति से, बीमारी से, सब चीज़ से। और इनको ना गेहूं मिल पा रहा, और आज अगर हमें नहीं भी ना तो हमें कहो ब्रेड और अचार अकेला रहना पड़े। घर में इतना सा भी आटा नहीं, गेहूं तो है पर टाइम ही नहीं मिल रहा है गेहूं को बीनने का, इसलिए हम और देव बिलवा रहे हैं। हालांकि देव थोड़ा बहुत तो मुझे सब काम करवा लेता है, ये है कि जो भी मैं काम करती हूँ उसको अपने साथ बैठलवा के जरूर करवाती हूँ। तो ये हमारी अच्छी खासी इस पे दाल बॉईल हो चुकी थी और मैंने इस पे बघार भी लगा दिया था छौंक। और यहाँ पे मैं ही जाऊँगी गैस सिलेंडर रखने। एक्चुअली अभी देखिए ऐसे तो गैस सिलेंडर वहाँ मिल नहीं रही है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होगी शायद, वो मुझे नहीं पता, किसी चीज़ के फॉर्म भर रहा है। तो यहाँ पे मैं किराना दुकान से लेने जाऊँगी। और ले जाते समय तो बिल्कुल भी ज़्यादा भारी नहीं था, पर जब अगर वो गैस टंकी लेकर आएंगे तो हम उसी से ऊपर रखवा लेंगे। अब जिनके हम लेने जा रहे हैं मतलब किराना दुकान में। और आप लोग देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा हर चीज़ों से परेशान चल रहे हैं हम। एक तो इनकी बीमारी, ऊपर से आर्थिक स्थिति वो भी डाउन है अभी, यही समझ लीजिए। तो अभी मैं इसको नीचे लेकर जा रही हूँ। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ, जब कोई आएगा देने तो उनको 20-30 रुपए दे देंगे तो वो ऊपर तक हमारे रख देंगे। ज़्यादातर काम मेरे ऐसे ही होते हैं, अगर कुछ भारी सामान ऊपर तक लेके आना होता है तो मैं किसी से रखवा लेती, क्योंकि आपको पता है मेरा भी सिंगल किडनी है तो मुझे मिनिमम 10 से 15 किलो उठाने के लिए अलाउ है, और मेरे हस्बैंड को 5 किलो करीब, पर उससे ज़्यादा आप नहीं उठा सकते हैं भारी, इसलिए। और तो ठीक है, खाली रहने के बाद इसका जो वज़न ज़्यादा नहीं रहता है आपको ही पता है। और वैसे ही मैं आहिस्ता आहिस्ता से इसको नीचे उतार रही हूँ। और आज आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। आज का ब्लॉग थोड़ा सा आप लोगों को लंबा भी लगेगा, पर आप लोगों से आज बहुत सारी दिल की बातें भी करनी हैं। और यहाँ पे देखिए, फिर मुझे ना रोटियाँ भी यहीं पे बनाना था जहाँ पे हम गैस सिलेंडर तो रखा है, तो उन्होंने कहा कि आप जमा कर दीजिए, जैसे ही यहाँ से आएगा हम आपको। हमने काफ़ी वेट किया, करीब 1 बज रहा था, और आज ही मेरा फास्ट था, मंडे का है ये। और मैं इनसे ही बोल रही थी कि आप अंदर से दरवाजे लगा लो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जब तवा इस पे चढ़ रहा था ना थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, तो फिर मैंने कहा दरवाजा लगा लो। देव ने दरवाजा लगा दिया था। यहाँ पे मैं फटाफट रोटियाँ सेक रही हूँ। और देखिए, आप बर्तन का भी आटा नहीं है क्योंकि गेहूं भी नहीं था और ये भी नहीं था, मुझे गेहूं भी पिसवान जाना था इस वजह से। और यहाँ पे देव बार बार निकल रहा था। अच्छा, तो जब इनको सीरिन लगाई गई थी ना बॉटल वाली, हाँ, ठीक है चलेंगे। तो यहाँ पे सीरिन लग जब इनको लगाई गई ना तो बहुत सारा इनको ब्लड निकल गया था। मतलब कई बार क्या होता है, क्लॉट ना बंद हो जाती है बार बार ये सब चीज़ें करने से,
और ये हमारी इसमें अच्छी खासी रोटियां सिक गई थी, थोड़ी सी ना हल्की हल्की जल भी रही थी। एक्चुअली मैंने ये रोटियां पहली बार बनाई है, मुझसे नहीं आती, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि इस पे बन पाएगी नहीं बन पाएगी, कभी मद्दा करना था कभी तेज करना था। ये देखो चूल्हे में तो बन जाती, पर वो ये ना लकड़ियाँ भी नहीं थी और ऊपर से कितना ज़्यादा समय वो भी होता और धुआं इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो देव को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी तो बोल रहा था मम्मी कब बनेगा खाना कब बनेगा, तो मैंने कहा बस बेटू बन रहा है। एक्चुअली आज देखिए इन लोग के लिए भी कुछ नाश्ता नहीं बन पाया था, और इनको तो मैंने मुरमुरे होते हैं ना आपने देखा वो मुरमुरे ऐसे ही मैंने सूखे दे दिए थे ताकि कुछ इनके पेट में जाएगा। एक्चुअली अब शुगर जिसको प्रॉब्लम होता है ना उनको भूख भी ज़्यादा लगती है, पर ये है ठीक है जैसे भी है हमारे हालात उनमें हम गुजारा कर रहे हैं। और यहाँ पर शिव को मैं एक तरफ झूला में मैंने लिटा दिया था, और आप लोगों को पता है हर स्थिति हर हालात में मैं जैसे भी होता है अच्छे से खुश रखने की कोशिश जरूर करती हूँ सबको। जांच करवाने पर है तो तुम टेंशन मत लो ना, मत रो, परेशान मत। हाँ पानी दे दो मम्मी, पानी दे दो, दे रही हूँ पानी रहना। ए बाप रे जी, ए बोलो श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। श्री शिवाय नमस्तेभ्यम ऐसा बोलते चलो। तो अभी इनको ये लास्ट वाली बॉटल है और डॉक्टर ने यही कहा है कि जल्दी आराम लग जाएगा है ना। डॉक्टर ने कहा है जल्दी आराम लग जाएगा, और आज सोमवार है तो आज मेरा फास्ट भी था। और सिस्टर आई थी और आधे घंटे हो गए बोतल को लगाए हुए, आधे एक घंटा मिनिमम लगेगा, एक से डेढ़ घंटा लगेगा। और आज हमने नाइट में लगाई हैं, वैसे तो वो नाइट में मना कर रही थी, वो डॉक्टर मना कर रहे थे नाइट में नहीं लगाना है जब ये गोली खाएंगे, पर करते भी क्या करते, वो दिन में आने को लगाने को तैयार ही नहीं थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला ठीक है, तो ठीक है दवाई खाने के बाद ही उन्होंने लगाई है ना, और अभी टाइम लगेगा। बोल रहे आरती आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कहा हिम्मत बनाए रखो क्योंकि जब जब इनको वाटर चढ़ रही है जब जब थोड़ी बहुत परेशानी इनको हो रही है। और बस ये कि हिम्मत ही दे सकती हूँ मैं, और क्या कर सकती हूँ, खुद की भी हालत मेरी ठीक नहीं है। पैर पैर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें तो अपने आप में हिम्मत रखना है ना। तो अभी बस वो आराम कर रहे हैं, और थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लगता है जब भी मैं इनको देखती हूँ इस हाल में है ना, क्योंकि 24 घंटे मैं देख रही हूँ हर सिचुएशन को। और कल मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आ पाया था, ये था कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, अभी मुझे किसी चीज़ का मन नहीं कर रहा है। और बस ये है कि मैं जो अपने हर दिन ब्लॉग डाल पा रही हूँ मजबूरी है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है अगर मेरे हस्बैंड की दवाइयाँ नहीं चल रही होती तो शायद मैं नहीं डालती, पर उनकी दवाइयों के लिए मुझे कहीं से भी कैसे भी करके डालना पड़ेगा। प्लीज़ सबके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अभी आधे घंटे उनको लगा है, आधे घंटे और लगेगा, और मैं आप लोग को बताई दे रही हूँ ये ना वो स्लो मोशन में चढ़ाई गई है, ये देखिए ये परेशान हो ये ना इन्फेक्शन और डॉक्टर से पूछ के लगाया, और आज ये तीसरे चौथे दिन बाद इनको ये लगाई जा रही है।
3 दिन बाद लगा रही। वैसे तो कंटिन्यू लगाना था, मतलब 3 दिन में 3 लगनी थी, पर तीसरे चौथे दिन 3 दिन बाद लगा रहे हैं ये। और मेरी ना जवान भी लड़खड़ा जाती है आप लोगों से बातें करते करते। बोल रहे थे आरती मुझे बेचैनी हो रही, घबराहट हो रही है। एक्चुअली क्या है, व्यक्ति एक जगह लेटा रहेगा तो वो दिमाग में रहेगी। हालांकि मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा इनको ना मतलब बाहर कहीं ले जाएंगे, ऐसा तो चलते ही नहीं बन रहा, तो मैं कहाँ से लेकर जाऊंगी। एक पेरेंट्स बिल्कुल भी रखते नहीं आ रहा, बिल्कुल भी रखते नहीं आ रहा। अच्छा कुछ लोग हैं जो हमें हमारा जिनके पास नंबर है वो लोग काफ़ी मतलब हमें हिम्मत दे रहे हैं, आरती बस आप स्ट्रांग हो, आप सब कुछ मैनेज कर लोगी। वो आप लोग मुझे देखते हैं ना इस नज़रिए से, इसलिए आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, पर नहीं हूँ, रियल में मैं नहीं हूँ। यहाँ तक मेरी हिम्मत थी, वो यहाँ तक है, बाकी मैं बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ, बहुत एकदम धक्का सा लगता है। आप कुछ चीज़ सोचिए, इमेजिन करिए, कुछ चीज़ आप सोचिए। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, पर ये सोचिए कि एक लाइफ है जो कितनी स्ट्रगल। आपको लगता है ना कि हमारी ज़िंदगी कितनी आसान होगी, सब कुछ आसान नहीं, पर ऐसा बिल्कुल भी, जितनी आपको आसान दिखती उतनी ज़िंदगी हमारी बिल्कुल भी आसान नहीं है। दोनों बच्चों को ही बाहर बैठा लेके आई हूँ। हाँ मैं निकाल दे रही हूँ, मत रहने दो। अब देखो उनको प्रॉब्लम होने लगी ना फिर से, चुनमुना रहा है तो बोले थोड़ी बहुत तकलीफ होगी तो सहन कर लेना, और नहीं होगी तो फिर करो। चलो रात को भी काफी रात हो गई यार, बैठा है वहाँ, खाना मिलेगा वहाँ। तो अभी ये पूछ रहे थे, देव की आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि बहुत देर से, और मैंने उन लोग को बोला, देव को बोला है कि देव पाप बिल्कुल भी उधम नहीं करना उसका मतलब पहले मुझे लगा उसके एग्ज़ाम ख़त्म होगा, पर अभी नोटिफिकेशन आया उसका ना कल ड्राइंग का पेपर, तो मैं उसको ड्राइंग का करा के आई हूँ। और इनको अभी बॉटल में टाइम लगेगा, तो सो बॉटल अभी तो फिर मैं आप लोगों से अपना वीडियो जो भी है यहीं एंड करें। आँख खोलो, अच्छा लग रहा ठीक और ये मास्क और ये सब मैं हम लोग उसके लिए लगाए हैं अभी, ताकि जो इन्फेक्शन है वो थोड़ा सा बचने के लिए ही लगाए हैं। और अच्छा मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे आरती, आप मकान कहीं पे ढूंढो मत, क्योंकि हमें नहीं लगता कि आपके लिए सेफ्टी, क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो देख रही हूँ मैं अपनी ओर से, कोशिश कर रही हूँ, बाकी जो होगा जैसा होगा वो भगवान के ऊपर है। हम यहाँ पे यहीं पे रहेंगे, हम कहीं और रहेंगे नहीं पता, पर मैं कोशिश जरूर कर रही हूँ मकान देखने की। चलिए बाय बाय, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब इनको बॉटल में टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो देखिए इनका जन्मदिन है ना, तो ऐसे तो हम केक नहीं ला सकते हैं, और देव इसको लेकर आए थे, मैं और देव गए थे सामान लेने, तो ये हम लेकर आए थे, और वो बोलते बोलते सो गया कि मम्मी जल्दी केक बनाओ। तो अभी बज रहे हैं 4, और ये 2 10 10 वाली डेयरी मिल्क लाए थे, एक ये इनो लेकर आए थे, और एक ये बटर है जो कि ये भी 10 रुपए वाला है। और बोल रहा था मम्मी आज पापा का जन्मदिन, तुम केक नहीं बना काटोगी? तो मैंने कहा क्यों, हम लेकर आए, तो ये बिस्किट देव के लिए लाए थे, हम पहले ही लेके आए थे, और ये रखी हुई थी, तो ये क्रीम वाली बिस्किट है, और ये 2 है, तो हम इनका ही केक बना रहे हैं। सो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, है ना। बच्चे हैं उनको भी लगता है कि पापा का जन्मदिन, क्योंकि एक्चुअली जहाँ से बॉटल चढ़नी थी ना, तो वो सिस्टर चली जाती है, क्योंकि वो मतलब जहाँ पे जिन हॉस्पिटल से आती वो हॉस्पिटल वाले मना कर रहे थे, क्योंकि हस्बैंड का ट्रांसप्लांट हुआ है और इनका नस बार बार क्लॉट हो रहा था, एंड इनको बार बार मतलब कभी झुनझुना रहे थे कभी कुछ, तो वो लोगों ने मना कर दिए थे, पर वो अपनी ज़िम्मेदारी से आई थी। हमने उनको डॉक्टर से बात करा दिया था, हमने कहा ठीक है अपनी ज़िम्मेदारी से वो करवा रहे हैं इंजेक्शन, जो बॉटल है चढ़वा रहे हैं इन्फेक्शन कम करने वाली। तो डॉक्टर ने अभी यही कहा है, हमारे डॉक्टर ने, कि अभी ठीक है, अब इसके बाद टेस्ट कराना, जो भी आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको इंदौर में ही रहना है मतलब 15 20 दिन के लिए, वहाँ पर फिर ये बॉटल चढ़ाई जाएंगी। सारी चीज़ें हम अपने डॉक्टर से डिस्कशन करके ही आप लोगों को ये चीज़ें बता रही हूँ मैं। और
यहाँ पे मैं बिस्किट की क्रीम निकाल रही थी, एक्चुअली देव बहुत बोल रहा था, हमने कहा चलो ठीक है और जो कोशिश मेरे से होती है मेरे घर का थोड़ा सा माहौल चेंज हो बच्चों को खुश रखने के लिए, इनको खुश रखने के लिए, वो मैं ज़रूर करती हूँ। तो अभी कुछ लोग क्या मुझे बोलने ही वाले हैं, काफ़ी लोग नेगेटिव्स की, बाप रे इतना पति बीमार है और इसका कैसे मन कर गया। जैसे मैं तीजा के दिन तैयार हुई थी वैसे आप लोगों ने कहा था ना, कई लोगों ने कहा था क्या, एक ही लोगों ने कहा था कि बाप रे पति इतना बीमार, इसका सजने का मन कैसा करे। हम भी इंसान हैं, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है अभी, मेरा भी मन हर चीज़ करने को करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्रीम और दो डेरी मिल्क डाली थी, मैं इसको चला रही थी और ये मैं दोपहर को कर रही हूँ जो मुझे आराम करना चाहिए, तो ये मैं तब ये मैं काम कर रही हूँ। एंड मैं इस ये पल देखने के लिए तरस गई थी मेरी आंखें। मैंने अपने हस्बैंड को जब सरप्राइज़ दिया ना, मैंने उनको पहले ये नहीं बताया था मैं ये सब बना रही हूँ, हालांकि वो ये सब खाएंगे नहीं, पर ये रहेगा उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि ये सारी चीज़ें, जब छोटी छोटी खुशियाँ ना जब आप अच्छे से सेलिब्रेशन करते हो तो खुद भी आपको अच्छा लगता है। एंड मैंने इस पे यहाँ पे दूध डाल दिया था, मेरे पास दूध ज़्यादा नहीं था, काजू और बादाम रखे हुए थे जब आपको मैंने बताया था ना, वो आंटी जिन्होंने किन्हीं ने मुंबई से भिजवाई थी, तो वो अभी तक मेरे यहाँ रखे हुए हैं। और यहाँ पे मेरा ये घोल तैयार हो गया था और ये चौको चौको वाला है, आप बताइएगा कैसे बनाया जाता, मुझे नहीं पता था, मैंने ये फर्स्ट बार बनाया। हाँ मैंने आटे का और बार्ले जी बिस्किट का बनाया है पर इसका नहीं बनाया। और ये मैंने बटर भी पहली बार लाया है 10 रुपए का, आज तक सोचिए हमने हमें बटर ही नहीं पता था कि बटर होता क्या, हमने कहा चलो इसी बहाने हम देख भी लेंगे, ये तो पता था कि दूध का बनता है और मक्खन का होता है पर ऐसा वाला हमने पहली बार देखा है। तो मैंने इसको ग्रीस कर लिया था एंड ना इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, जितना मुझे लगा ना उतना आसान नहीं था ये सब कुछ करना, मिनिमम आधे घंटे लग गए थे क्योंकि मैंने पहले पानी में रखा था, पानी में हो ही नहीं रहा था केक, मुझे लगा पानी में हो जाएगा जैसे कि हम ढोकले का रखते हैं, इडली का रखते हैं, पर इसमें नहीं हुआ था। फिर मुझे ना उसमें रखना पड़ा था, कढ़ाई में रखना पड़ा था। तो ये देखिए अभी तक हमारा नहीं हुआ, करीब मैं आधे घंटे को आप आधे घंटे बाद मैं आपको एक क्लिप दिखा रही हूँ। ये देखिए अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ, मैं इसको नाइफ से बार बार ही देख रही थी और देव बार बार पूछ रहा था मम्मी कब होगा कब होगा। तो आज देव ने देखी टॉफी भी जीत करके बोला मम्मी केक बनाओ, हमें पापा का बर्थडे मनाना है, एंड ये इतने गुब्बारे लेके आया है, बोल रहा था मम्मी मैं इसको फुलाऊंगा। बोलो गाइस, और क्या लेकर आए हो? टॉफी। पापा को गिफ्ट क्या दोगे? बाइक। है बाइक? हाँ। पैसे कहाँ है? नहीं है बेटू, नहीं है पैसे। आप दो ना, कहाँ से दोगे? और ये करीब आधा घंटे में हुआ, बटर भी लगाया था हालांकि मुझे इतने अच्छे से आता नहीं है, ये ड्राई फ्रूट एक को दो पार्ट में कट किया तब जाके ऐसा डेकोरेट हुआ है। मम्मी, हाँ आज मैंने अपने 3 से 4 बार फोन स्विच ऑफ किया, ऑन किया, स्विच ऑफ किया, ऑन किया। आज मेरा इनका जन्मदिन भी आप लोगों को सुबह ही वीडियो मैंने बताया था, और किसी चीज़ का मेरा मन नहीं है तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, तो मुझे समझ में आया करूँ तो क्या करूँ, करूँ तो क्या करूँ, और भाई यही चीज़ है। फिर उसके बाद अभी मुझे इतनी ज़ोर से घबराहट हो रही थी, इतनी ज़ोर से घबराहट बहुत जोर से, मैंने कहा चलो आप लोगों से बातें ही करते, शिव मेरे साथ बैठा है। हालांकि क्या हो गया ये देखो, अपनी शक्ल देख रहा है, शाम का समय हो रहा है, करीब 6 बज रहे हैं, और बस मेरे घर का थोड़ा सा माहौल चेंज हो, थोड़ा सा मैंने आप लोग को हर बार बताया ना ये छोटी छोटी मैं खुशियाँ बनाने के लिए कोशिश करती, पर आज मेरा वो भी मन नहीं कर रहा, पता नहीं उदास उदास सा लग रहा है। बहुत कोशिश कर रही अपने आप में इतना ही नहीं, सब ठीक है, पर जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ इनको देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। खैर इनको भी मैं बोलूँगी
और जो आज मैंने बनाया है ना वो आपने केक देखा है, बस ऐसे ही, ताकि ना मैं इनको थोड़ा सा हैप्पी रख सकूँ, थोड़ा सा मेरे घर का माहौल चेंज होगा, क्योंकि ना मुझे नहीं पता था हालांकि कि ऐसा भी होगा कि इनको कल ही बॉटल चढ़ाई जाएगी। तो कल रात को बॉटल चढ़ी थी, जो अब तक का आपने ब्लॉग देखा जो केक का था वो मैंने आज बनाया था मॉर्निंग में। शिव देखो मम्मी, आप मेरे से बात नहीं करो, क्यों? आप मेरे से कहना नहीं मानते। क्या मिल गया खाने को? मैं शिव्बू को देखती हूँ तो आधी मेरी टेंशन दूर हो जाती है, सच में बच्चे होते ही ऐसे है ना। अब शिव को ना हंसी आने लग, ये को देखो, देखा हुआ ये था ना, इसको ही देखता रहता है ज्यादा देर तक। तो यहाँ पे अभी देव देखो बैलून चिपका रहा है, बोला है मम्मी वो वाला कलर नहीं, वो वाला नहीं, रॉन्ग कलर वो। हाँ देव को बहुत ज्यादा, किसका बर्थडे है? पापा का, ये है। हाँ चिपका दो, मैंने वहाँ पे टेप लगा दिए थे छोटे छोटे। हाँ लगाओ और हल्के हाथ से, बस बस बस। वो एक ठोर उठाओ, ऊपर लगा दो ऊपर। वाओ देखो गाइस कैसा सजाया हूँ, पूछो गाइस ये देखो कैसा सजाया, किसने सजाया ये? वाओ यहाँ आके बताओ कैसे सजाया? मैंने। वाओ और आपने कितने बैलून फुलाई बताओ? 1 2 3 4 अच्छा कौन कौन से कलर के आपने फुलाए हैं बताओ? अच्छा व्हाइट, हाँ व्हाइट, हाँ येलो, हाँ हाँ। तो ये हमारा केक तैयार हो गया है, ये मैंने बाद में गार्निश किया है, और आप बताइएगा मैंने कैसे बनाया है, मुझसे बार बार बनाते तो नहीं आता पर ठीक है। और कैंडल वगैरह है नहीं, और मीठे में शक्कर खिला देंगे। और देव बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है गाइस, आज आप लोग वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। तो गाइस हम लोग देखिए आज इनका जन्मदिन मना रहे हैं। देव आप पहले चाकू नीचे रखो, गंदी बात होती है। अबे अब तो ये अब क्या बोलो गाइस, कैसा बना रहे हैं हम लोग, कमेंट जरूर करिएगा। पंखा तो बंद है, और हमने इनका बहुत ख्याल रखा हुआ है कि इसलिए मोमबत्ती नहीं जला रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस ये भी नहीं जल रही, हवा आ रही ना बाबू, थोड़ा सा तो उजेला रहना चाहिए ना। पहले पापा जी को टीका लगाना है। मैं टीका लगाऊंगा। क्या हो गया? मैं टीका लगाऊंगा। हाँ हाँ मैं वहीं पे दे रही हूँ आपको। लो टीका लगाओ वहीं से, वहीं से। नो मैं पकड़ ले रही हूँ, लाओ बाबू मैं पकड़ लूँ ना बच्चे। लगाओ
हाँ, और हमने सैनिटाइजर करके ही बैठे हुए हैं। आप जियो हजारों साल साल के, चास हजार साल, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल से मेरी हार। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, उधर ही से कर लो लो। है जोर जोर से बोलो, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you। हाँ अच्छा, चलो अच्छा। पापा जी के पैर पढ़ लो, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से। वाह, तो जल्दी से ठीक हो जाओगे। हाँ अब चलो, पापा को पकड़ाओ केक, वो चक्कू चक्कू, और आप भी पकड़ लो। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to, पहले कान्हा जी को चढ़ा आओ। यस, मैं आप चढ़ा देना कान्हा जी को, क्योंकि अपन ने इसको घर में बनाए है ना। पापा ने को ये चढ़ा दो। हाँ जी, चढ़ा आओ, जाओ दो हमको, दे दो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये, लो दो दाना सिर्फ शक्कर देखो। फोड़ो, लाओ हम फोड़े, लाओ हम केक खिलाए आपको, इसको खिला दो। हैप्पी बर्थडे टू यू, जा सबको खिला देना पहले, नहीं सबको तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। चलिए नम ऐसे हेलो कर दो। कैसा लगा आपको आज का जन्मदिन? दो दो दो, मेरे को चक्कू दे दो। कैसा लगा? लो आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी, मुझे पता है। तो कैसा लगा आज का जन्मदिन? बहुत प्यारा लगा जन्मदिन, और आरती और देव, यानी कहना चाहिए ऐसी हालत में भी और इतना सब कुछ होने के बाद भी घर में इतना सब कुछ किया, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। देव और आरती से को इतनी खुशी होती है बच्चों को, हम बाहर नहीं जा पाए, लेकिन घर ही पे अच्छा रहता तो मैं इनको ले जाता जाइए, लेकिन ठीक है, भगवान की शायद यही मर्जी होगी। तो बस, और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स सपोर्ट करते हैं, आज ने बताया मुझे, बहुत लोगों ने जन्मदिन को विश किया। तो बस आप लोगों को बहुत प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे। बस चलिए, तो आप लोगों को भी बहुत सपोर्ट और प्यार, बस आप लोग ऐसे ही बनाए रखे। चलिए, तो मैं यहाँ पे आरती को देता हूँ, वो आपसे बात करेगी। चलिए, अब हम आप लोगों से मॉर्निंग में मिलेंगे। मत करो देव, मॉर्निंग में मिलेंगे। आज का ब्लॉग कर रहे हैं मैं यहीं पे एंड। अगर आपको आज का ब्लॉग इतना सभी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।